बॉस 18 दोस्तों, जिस झगड़े का हमें इंतजार था, रजत दलाल वर्सेस विवेन का, वो झगड़ा आखिर हो ही गया दोस्तों, खाने को लेके। जी हाँ दोस्तों, विवेन जो बोला, मैं पूरा खाना अकेला खा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, और इसी बीच बोला कि मैं भी देखता हूँ तू कैसे खाना खाता है, रजत ने बोला। तो देखिए दोस्तों, चला के दिखा देना भाई। खाने को मैं सब कुछ खा सकता हूँ, और मैं इतना ही बता दूं, मैं गैस भी चालू कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा मैं। आपने भी बोला था मैं गैस चला के दिखाऊंगा, कोई रोक सको तो रोक देना। तो आप चला के दिखा देना भाई भाई। हाथ चढ़ा के मैं दिखा दूंगा यहाँ। हाथ उठाएगा रजत, आप अगर शब्द देते हो मैं एक बार का खाना रोक के दिखा दूंगा जब मैं अंदर आऊंगा। ठीक है, रोक के। रजत ने बोला अगर मैं जेल में गया तो एक टाइम का खाना रोक दूंगा। एक टाइम का भी रोक के दिखाना। चल, खाने को मैं सब कुछ खा सकता हूँ, और मैं इतना ही बता दूं, मैं गैस भी चालू कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा मैं। आपने भी बोला था मैं गैस चला के दिखाऊंगा, कोई रोक सको तो रोक देना। तो आप चला के दिखा देना भाई भाई। हाथ चढ़ा के मैं दिखा दूंगा यहाँ। आप अगर शब्द देते हो मैं एक बार का खाना रोक के दिखा दूंगा जब मैं अंदर आऊंगा। ठीक है, रोक के। एक टाइम का भी रोक के दिखाना। चल, इन दोनों की लड़ाई होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बॉस मीटर टास्क में भी इन दोनों का ही झगड़ा चल रहा है। बॉस मीटर टास्क में दोस्तों रजत दलाल वर्सेस विवेन का झगड़ा है, कौन जीतेगा बॉस मीटर टास्क, घर का बॉस कौन होगा, रजत या विवेन, कौन रूल कर रहा है, यही देखा जाएगा दोस्तों। अब विवेन के को तो मैं सपोर्ट कर ही रहा हूँ, वो मुझे पता है। अब यहाँ पर खाने को लेकर झगड़ा हुआ। अब हुआ क्या है दोस्तों, बिग बॉस ने टीआरपी के चक्कर में एपिसोड और लाइव का टीआरपी के लिए खींच रहे हैं बहुत ज्यादा एपिसोड को यहाँ पर। और असली में बात क्या है, जब अविनाश बाहर गया ना दरवाजे के बाहर गया, दरवाजा खुला, वो बाहर गया, फिर दरवाजा खुल गया, फिर वो अंदर आया, फिर बिग बॉस ने उसको जेल में डाला, और यहाँ तक कि जेल की चाबी भी उसको अविनाश को दे दी और बोला आप जब मर्जी बाहर आ सकते हो, और राशन जो है आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सब लोग जो है अविनाश को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन विवेन जो है वो नहीं चाहते थे कि अविनाश बाहर जाए घर से। लेकिन ये बाहर जाने की बात किसने कही थी, आप मुझे बताइए, ये बाहर जाने की बात किसने उठाई थी अविनाश को बाहर निकालने की, रजत दलाल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रजत दलाल को डर हो गया था कि अगर ये टिक गया अंदर फिनाले तक जाने के लिए, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब रजत के लिए। अगर अविनाश अंदर टिक गया एक बार तो भैया फिनाले जाने के लिए भाई रजत को प्रॉब्लम हो जाएगा, और बॉस मीटर टास्क फैसला करेगा ये कि घर में कौन बॉस है, रजत या विवेन। क्योंकि विवेन नहीं चाहते थे कि अविनाश घर से बाहर जाए, ईशा और एलिस कौशिक भी नहीं चाहती थी कि अविनाश घर से बाहर जाए, है ना। अविनाश अपना पॉइंट उठा रहा है, वो सही बोल रहा है ना, ये एक सर्वाइवल गेम है, यहाँ पर खाने के लिए भी आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा। और चुतिका, आपको अगर नहीं दिख रहना है तो आप चले जाइए यार, सर क्यों आइए, सलमान सर ने उस दिन भी बोला था वीकेंड के बारे में, अभी एक हफ्ता ही हुआ है आप लोग का और अभी से ये रोना धोना शुरू है ना। श्रुतिका को भी बोला ना सलमान सर ने, गेट आउट ऑफ माई हाउस, निकल जाओ मेरे घर से, जरूरत नहीं मुझे ऐसे कंटेस्टेंट्स की। तो ऐसे मुझे भूख के मारे रोना आ रहा है, ये करने से इधर नहीं होगा बिग बॉस में, है ना। और मुस्कान तो वो रो रही थी जब सब लोग उसका नाम लेते कि तुम जेल जाओ। भाई यहाँ पर बहुत हार्ड है बिग बॉस, ये इतना आसान गेम नहीं है ये सब, है ना। यहाँ पर कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है, किसी को भी उठा के लेके आया, फिर भूख के मारे रो रही है, वो बोल रहा है 3-4 दिन से निकल नहीं रहा है, सुबह सुबह पॉटी नहीं निकल रहा है। तो इसमें बिग बॉस क्या करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे घर के अंदर, है ना, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भेजा गया, ये सब है। अविनाश ठीक बोल रहा था ना अंदर, अविनाश क्या बोला, देखा इस माइंड कोच का मैं माइंड फाड़ दूंगा, ये इसका सही बोला। और वो क्या बोला उसने आज, करणवीर ने अविनाश को चूतिया बोला, और करणवीर खुद चूतिया है यार, वो क्यों अंदर आया, वो आसिम की वजह से वो आया यहाँ तक, नहीं तो वो कभी नहीं आ पाता, खतरों के खिलाड़ी आसिम निकल गया इसलिए वो जीता, वरना बहुत मुश्किल था करणवीर के लिए जीतना वो शो, है ना। और करणवीर बहुत स्मार्ट क्लेवर खेलता है वो। और एक चीज देखा आपने, जब इनको कन्फेशन रूम में बुलाया गया था कि आप अपना क्या चाहिए आपको घर में, बोलिए फ्यूचर में क्या चाहिए, सुबह सुबह सब लोग खाना खाना कर रहे थे, खाना चाहिए, कन्फेशन रूम में जब बिग बॉस ने बुलाया, ये लोग बोले मुझे ट्रॉफी चाहिए, चाहत बोले मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे लाडली बनाना है, मुझे ईशा बोल रही है ना। तो ये जो गेम चल रहा है इनका मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो डबल फेस है, इसीलिए अविनाश ने सबका वो निकाल दिया, असली चेहरा निकाल दिया सबके सामने। अविनाश भी अंदर जब गया वो क्या मांगा था, राशन मांगा था, मुझे उसको क्या चाहिए था, राशन। और अविनाश क्लियर था,
उसने कन्फेशन रूम के अंदर जाके क्या मांगा था, राशन और चुम के लिए बर्थडे केक। उसी चुम के लिए बर्थडे केक मांगा जिस चुम ने अविनाश को साला बोला है ना। तो अविनाश अपने पॉइंट पे था लेकिन कोई अपने पॉइंट पे नहीं था घर के अंदर। सब लोगों को यहाँ पर चाहिए था खाना, लेकिन जब कन्फेशन रूम में बुलाया गया था बिग बॉस के द्वारा कि आपको क्या चाहिए, तो सब बदल गए। सबको बोलना कि मुझे आखिरी तक नॉमिनेट नहीं होना है, श्रुतिका बोल रही थी मुझे फिनाले तक जाना है बिना नॉमिनेट होके, ये होना है, ट्रॉफी चाहिए, चाहत पांडे बोल रही है, ये वो भी बदल गए थे। वो भी ये जो है हमारी ये माइंड कोच जो है वो भी अपने फैसले से बदल गए थे, ये भी कुछ और ही बोल रहे थे। शिल्पा शिरोदकर भी कुछ और ही बोल रही थी ट्रॉफी, मतलब उसको भी बोला था उसको ट्रॉफी चाहिए, खाना नहीं चाहिए। मतलब ये लोग जो है बहुत दोगले है ना, निकल गए। शिल्पा शिरोदकर इज अ डबल फेस वोमन, शी इज अ डबल फेस BBW वोमन, वो कभी भी बदल सकती है कहीं पे भी है ना। वो उसको अब मत वो करी, मतलब सपोर्ट करना बेकार है इस औरत को, डबल फेस औरत है ये। अब तो मजा आएगा कल रजत और विवेन का झगड़ा, बॉस मीटर टास्क है ना। आई सपोर्ट विवेन, मुझे पसंद है वो है ना। और विवेन सही है यार, वो बंदा सही है, जो सामने है वो है, वो पीछे कुछ भी नहीं है उसका। ऐसे ही गेम खेला जाता है बिग बॉस में जीतने के लिए है ना। या तो ऐसे खेलो या फिर दोस्ती करो लड़की से, तो लड़की जीत जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। फिर जैसे हुआ था हमारे अरबाज भाई का, नेजी भाई का है ना, मुनावर याद है कैसे गेम खेला, कोई उसके अंदर कोई इमोशन नहीं था, वो सबको वो करके आगे बढ़ा, किसी के साथ ज्यादा इमोशनली वो अटैच नहीं हुआ था मुनावर है ना। तो ऐसे ही गेम खेला जाता है। मजा तो अब आएगा जब रजत दलाल वर्सेस विवेन डिसेना कल होगा। चलिए थैंक यू भाई, किसी के फैंस को बुरा लगे तो सॉरी।